हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे अगला कंसेप्ट जो चार वीडियो अलजेब्रा का डाला हुआ है, उसके बाद किस तरह से क्वेश्चन हम लोग का और आगे पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं इसमें भी कि हम लोग दो पावर वाला देख लिए, अभी हम लोग सब एक एक वेरिएबल वाला पढ़ रहे हैं, है कि नहीं, सिर्फ एक से रह रहा है। अब आगे हम लोग देखेंगे इस टाइप में स्क्वायर वाला पढ़ लिया, तो अब क्यूब वाला पढ़ेंगे कैसे। तो क्वेश्चन बनेगा इस तरह से कि एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू अगर कुछ दे दिया के, ठीक, और पूछ देगा आपसे कि एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। बोलेगा कि यदि इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर के, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू निकालना हो तो इसका क्यूब कीजिए और इसका तीन गुना घटा दीजिए, ठीक है। इसका क्यूब करना है और तीन गुना घटा देना है कि नहीं, मेन चीज यही है। इसका माइनस वाला अगर बात करें तो एक्स माइनस वन बाई एक्स दे देगा के, और पूछेगा कि एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, के क्यूब, के का क्यूब करेंगे, जो दिया रहेगा उसका क्यूब कर देंगे, और इसमें हम लोग इसका तीन गुना ऐड कर देंगे, ठीक है। हमको मतलब इतना ही से है, इससे और इससे एक तरह से फार्मूला समझिए या जो समझिए, इतना भी आपको पता है या याद है तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। लेकिन हम लोग को सिर्फ इतना रटना नहीं है, क्योंकि अगर रटते जाएंगे तो मैथ में ना जाने हर क्वेश्चन में एक ट्रिक बना देगा बुक वाला, या फिर और कोई टीचर लोग भी पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, इतना बताते हैं छोड़ देते हैं, कहते हैं कि इसका क्या है तो इतना हो गया इतना हो गया। लेकिन हम लोग को कंसेप्ट भी समझना है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक नहीं है, ये जो है इसी का सॉल्यूशन करके जो लास्ट फाइनल आंसर आता है उसी को यहाँ डायरेक्ट लिख देता है और बोला जाता है कि ट्रिक है। तो हमको कंसेप्ट भी साथ साथ समझते जाना है कि ये आखिर आया कहाँ से, इसका वैल्यू दिया है तो ये आखिर आया है कहाँ से, वो भी समझना है। तो क्या करेंगे, देखिए, अगर हम लोग इसको दोनों तरफ क्यूब कर दें तो इधर भी के क्यूब हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इसको हम अलग अलग करें, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी बराबर के क्यूब, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इसको हम लोग एक से कट जाएगा और इसका वैल्यू हम लोग क्या माने हैं, के माने हैं कि नहीं, इसका वैल्यू के माने हैं ना जी। तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का वैल्यू जो होगा ये थ्री इंटू के है कि नहीं है, और के क्यूब इधर है और ये के है ही, तो थ्री के उधर जाएगा तो माइनस में होगा कि नहीं। तो इसी को लोग लिख देते हैं यहाँ पे और बोल देते हैं ट्रिक है। अरे ट्रिक कहाँ, ये तो सॉल्यूशन किया उसका लास्ट वाला जो आंसर है उसी को बोल देता है कि ट्रिक हो, ठीक है ना। तो ये कहाँ से आया हम लोग हम बताते जाएंगे, वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये चीज़ बताने का ये मतलब नहीं है कि हमको इससे नहीं पढ़ाना है, पढ़ाना है हमको इससे ही, इसको हमको ध्यान में इसको रखना है। लेकिन ये भी बात को हम समझा देते हैं ताकि आपका माइंड जो है थोड़ा खुलना चालू हो जाएगा, दिमाग थोड़ा खुलेगा ये सब चीज़ से, प्रूफ अगर जानिएगा तो। सेम वही कहानी इस तरह, ठीक है। अगर क्वेश्चन दे दिया ऐसे एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू फाइव है, हमसे पूछ दिया कि एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा, तो हर बार इतना थोड़े करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ प्लस दिया तो माइनस कर देना है कि नहीं। पाँच का क्यूब कर देंगे, 125 माइनस थ्री गुना पाँच यानी 15, बात समझ रहे हैं, यानी आंसर आ जाएगा 110।
अगर क्वेश्चन दे दिया x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू 4 और पूछ दिया एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का वैल्यू, तो 4 का क्या करेंगे, 4 का क्यूब करें और माइनस याद रख रहा है ना, इसका क्यूब करना है और इसका 3 गुना घटाना है, 4 का 3 गुना घटा देंगे नहीं घटा देंगे, कोई दिक्कत है जी। 12 घट जाएगा 64 में से, कितना हो जाएगा, 52 आपका आंसर हो जाएगा नहीं। तो इस तरीका से हम लोग बात को आगे बढ़ते जाएंगे। अगर क्वेश्चन दे दिया ऐसे x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू दे दिया, कुछ भी ले लेते हैं हम लोग 2√3, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब का वैल्यू पूछ देगा, तो इसका क्यूब करेंगे, करेंगे कि नहीं, इसका क्यूब कीजिएगा तो कितना आएगा, देखिएगा ध्यान से, 2√3 गुना 2√3 गुना 2√3 होगा कि नहीं होगा, और इसका 3 गुना हमको क्या करना है, माइनस है तो हमको 3 गुना ऐड कर देना है, प्लस 3 इंटू 2√3, देखिएगा हो सकता है कट रहा होगा, तो भाई साहब को क्लियरली सुनाई दे रहा होगा। तो देखिए 2 × 4 × 8 होगा कि नहीं होगा, √3 √3 मिलकर 3 यानी 8 × 3 = 24, 24√3 हो जाएगा, और 3 × 2 कितना 6√3, 24 × 6 = 30√3 इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत इसमें, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बोलिए। हाँ तो देखिए, अगर ए प्लस वन बाई ए का वैल्यू दे दिया आपका कि 3 है और पूछ दिया कि ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब का वैल्यू क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, 3 × 3 = 9 × 3 = 27, माइनस कितना घटा देंगे, 3 × 3 यानी 3 के यानी 3 × 3 होगा 9, यानी आंसर आपका कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें नहीं ना। तो इस तरीके से सेम पिछला जो वीडियो हम लोग देखे स्क्वायर वाला, इसमें भी वही कंसेप्ट आएगा, कैसे, अगर दिया है हमको 2x + 1/3x बराबर दे दिया, मान लेते हैं कि 4 दे दिया है, और क्या किया मान लेते हैं, चलिए 3 ही मान लिए, और हमको पूछ रहा है 8x³ / 27x³ इसका आंसर पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, जो कह दिया है 3 का क्यूब करेंगे, कर देंगे कि नहीं कर देंगे, जो भी वैल्यू दिया है उसका क्यूब कर देंगे, उसमें से यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे, -3 के का जगह 3 है और 3 × 3 करेंगे, करेंगे कि नहीं, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ भी उसी तरह से हम लोग -2 करते थे तो उसमें x का कोफिशियंट जो रहता था उससे गुना कर देते थे, तो इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे, कैसे, ये सिर्फ 3 नहीं, 3 के जगह यहाँ पे देखिए x का कोफिशियंट 2 है कि नहीं है, यहाँ पे 1/3 है तो हम लोग यहाँ 3 में गुना कर देंगे, किस से, 2 से और 1/3 से, और के जगह मेरा 3 तो है तो 3 से, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, इसका हो जाएगा 27, 27 में से 6 जाएगा तो कितना 17 ना, 27 में से 6 जाएगा तो आपका हो जाएगा 21, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ भी रहे हैं, समझिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर बोलिएगा। अगर ऐसे दे दिया क्वेश्चन दे दिया इस तरीके से कि 3x + 1/7x इसका वैल्यू दे दिया 5, ठीक है, इसका क्यूब पूछ देगा आपसे 27x³ + 343x³ कितना होगा, तो क्या करेंगे, इसका क्यूब तो करेंगे 5 का क्यूब माइनस 3 के, तो 3
सिर्फ के जगह पांच नहीं रखेंगे, इसमें देखेंगे यहाँ पे सेम दोनों नहीं है, ये सब में सेम था तो हम लोग कुछ नहीं करते थे ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है तो इसमें एक्स में कितना कोफिशियंट है, तीन, तो तीन से गुना, यहाँ एक्स सेवन है तो वन बाई सेवन से, और के कितना था पाँच। अब इसका आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा जो आंसर आ जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। मैन इसमें हमको कंसेप्ट यही सिखाना है कि हर जगह थ्री के नहीं, टीचर लोग क्या करते हैं के क्यू माइनस थ्री के पढ़ा देते हैं, उतना ही पे चैप्टर ख़त्म, और उसके बाद क्या होगा एग्जाम में आ गया ये आ गया तब तो सही हो गया, ये आ गया तो आंसर गलत हो जाएगा, और आंसर के जगह यह भी दिया रहता है, क्वेश्चन है लेकिन पाँच का क्यूब 115 125 माइनस थ्री के 15 घटाइएगा 110, ऑप्शन में 110 भी मिलेगा, आप मार कर खुश हो जाइएगा कि हाँ मेरा तो एक नंबर इससे सही हो गया, अब मिलाइएगा आंसर तो गलत हो जाएगा। तो ये सब बात सीख कर रहना है, आधा अधूरा कंसेप्ट नहीं लेना है, आधा अधूरा ट्रिक नहीं लेना है, ट्रिक कुछ जगह के लिए फॉलो होता है लेकिन कंसेप्ट जो है हर जगह फॉलो हो ठीक है। तो ये सब बात आप लोग सीख रहे होंगे, उसी तरीके से फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अगर हम दे दिए कि थ्री एक्स है प्लस वन बाई टू एक्स, इसका वैल्यू दे दिए कि फोर है या फिर सिक्स है, चलिए सिक्स है, और क्वेश्चन पूछ दिया है कि एट एक्स का क्यूब प्लस वन बाई सत्ताईस एक्स का क्यूब, फिर से वही टाइप वही कंसेप्ट, यहाँ तीन है यहाँ पे एट एक्स क्यूब है, एक से क्यूब करना है, यानी कि यहाँ पे अगर टू एक्स रहता तब ना दो का क्यूब आठ होता, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए था टू, थ्री को टू बना दीजिए तो थ्री को पहले एक बनाइए, तीन से भाग देके फिर दो से गुना कर दीजिए तो टू नहीं बन गया, यानी कि थ्री को टू बनाने के लिए हमको एक्स्ट्रा क्या करना पड़ा, दो बटा तीन से गुना, तो हम लोग इसमें जो है दो बटा तीन से गुना कर देंगे। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इसी में हम यहाँ पर लिख कर दे रहे हैं, थ्री बाई टू से गुना कर दिए, इधर भी कर देंगे, तो देखिए थ्री बाई टू से कीजिएगा यहाँ तो क्या हो जाएगा टू बाई थ्री से ना जी, टू बाई थ्री से गुना कर देंगे तो टू बाई थ्री से थ्री थ्री कैंसिल, यानी कि टू एक्स आ जाएगा प्लस वन बाई थ्री एक्स आ जाएगा, और एक काटिएगा तो कितना तीन से दो, दो से दो चार, अब इसका क्यूब करेंगे, अब क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा एट एक्स क्यूब प्लस वन बाई सत्ताईस एक्स क्यूब, चार का क्यूब कितना 64, माइनस थ्री के थ्री गुना फोर किया जहाँ सब ले दे के बराबर हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे सेम नहीं है, सेम नहीं है तो क्या करना है थ्री इंटू एक्स में कितना से दो से, तो दो से गुना, एक्स में कितना से वन बाई थ्री से, तो वन बाई थ्री से गुना है कि नहीं, और के जगह था कितना चार, तो चार से और गुना, तो ये हो गया 64, तीन से तीन काट दीजिए, चार दुनिया आठ, 64 माइनस आठ कितना 56 आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्वेश्चन इस तरीका से दे दिया, मान लीजिए कि ए माइनस थ्री दिया या फिर ए माइनस टू दिया, टू दिया और प्लस वन बटा ए माइनस टू, इसका दे दिया है वैल्यू आपसे सेवन दे दिया, या फिर चलिए माइनस ही कर देते हैं, माइनस कर दिया, इसका वैल्यू दिया है उतना, हमसे पूछ रहा है इसका वैल्यू, तो देखिए यहाँ यहाँ सेम दिया है, कुछ करने का जरूरत नहीं है, माइनस करना है, क्या करेंगे सात का क्यूब करेंगे 343 माइनस, देखिए यहाँ माइनस था तो उधर प्लस नाइन होगा, प्लस थ्री क्या होगा तो प्लस थ्री इंटू सेवन, नहीं 2143 कितना हो जाएगा 364 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, अगर क्वेश्चन पूछ देता इस तरीका से कि एक्स
प्लस वन बाई एक्स प्लस फाइव, नहीं या फिर ना माइनस फाइव ही कर देते हैं, बराबर एट। और क्वेश्चन पूछा आपसे ऐसे, एक्स माइनस फाइव का होल क्यूब प्लस वन बाई एक्स माइनस फाइव का होल क्यूब, इसका वैल्यू कितना होगा, तो क्या करेंगे आप देखिए, यहाँ पे एक्स माइनस फाइव है, एक्स माइनस फाइव है, यहाँ तो है एक्स माइनस फाइव, यहाँ नहीं है, तो हम लोग यहाँ से इधर पाँच लेकर आ जा रहे हैं, या फिर माइनस पाँच इधर भी लेकर आ जाएंगे, माइनस पाँच इधर भी कर सकते हैं ना। अब एक ही क्वेश्चन हो गया कि नहीं, अब हो गया, इसका मतलब है कि इसका वैल्यू थ्री दिया है, इसका क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, के क्यूब प्लस है तो माइनस थ्री के, थ्री इंटू थ्री, क्योंकि ए और ए सेम है, तो आ जाएगा आपका 27 में से 9 जाएगा आपका हो गया 18। कोई दिक्कत है, सीरियली पढ़ते रहिएगा आप लोग, हम लोग एकदम बता रहे हैं जिस तरीका से एक टाइप के बाद दूसरा टाइप आता है उसी तरह से बता भी रहे हैं। और हाँ, एक बात आप लोग लगते हैं कि सिर्फ वीडियो देख रहे हैं अपने सिर्फ और किसी को दिखा नहीं रहे हैं, तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर भी करते रहिएगा, क्योंकि आप लोग कर नहीं रहे हैं, उनको पता चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है। अब देखिए, एक बात देखिएगा, हम लोग जितना चीज़ स्क्वायर में पढ़ें, जितना चीज़ क्यूब में पढ़ें, पढ़े कि नहीं, फिर पावर फोर वाला पढ़ें, तो हम लोग इसी में उसको भी बता दे रहे हैं कैसे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा आपका एक्स स्क्वायर वाला इस तरीका से, है कि नहीं, एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू देगा कुछ, आपसे पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछेगा ना, आपसे पूछेगा एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू, एक्स क्यूब का वैल्यू आपसे पूछेगा एक्स के पावर फोर प्लस वन बाई एक्स के पावर फोर का वैल्यू, आपसे इतना चीज़ का तो आप लोग पढ़ लिए, अगर माइनस करेंगे तो यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस वाला भी पढ़ लिए हैं, तो ये चार चीज़ पढ़ लिए, लेकिन इतना ही से काम नहीं होगा, इतना से पूछेगा तब तो हम लोग पढ़ ही लिए, अगर इसमें और आगे क्या पूछ सकता है वो देखिए, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा एक्स के पावर फाइव प्लस वन बाई एक्स के पावर फाइव, आपसे पूछ सकता है एक्स के पावर सिक्स प्लस वन बाई एक्स के पावर सिक्स, आपसे पूछ सकता है एक्स के पावर सेवन प्लस वन बाई एक्स के पावर सेवन, पूछ सकता है कुछ भी, माइनस वाला भी पूछ सकता है। तो अब हम लोग इसका मेन कंसेप्ट देखते हैं कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ यहीं पे, देखिए क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू अगर हम लोग दे दिए कि फाइव है, ठीक है, एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू अगर पाँच दिया है, आपसे पूछ दिया कि एक्स के पावर पाँच प्लस वन बाई एक्स के पावर पाँच का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए पाँच पावर लाना है ना, तो हम लोग पढ़े क्या क्या है, पावर टू वाला पढ़े हैं, पावर फोर वाला पढ़े हैं, पढ़े हैं कि नहीं, और क्या पावर हम लोग थ्री वाला पढ़े हैं ना जी। तो हम लोग क्या करते हैं कि पेयर देख लेते हैं, एक और चार मिल के पाँच होगा, दो और तीन और मिल के पाँच होगा, तो जो जिस सबसे नज़दीक वाला रहेगा ना उसको आप लोग पेयर चूज कीजिएगा, जैसे कि एक्स के पावर टू को एक्स के पावर थ्री में गुना करेंगे एक्स के पावर फाइव होगा, कोई बच्चा बोलेगा कि एक्स को एक्स के पावर फोर में गुना करेंगे फिर भी एक्स के पावर फाइव होगा,
यानी कि पावर वन वाला का गुना पावर फोर वाला से कर देंगे, हम बोलेंगे कि पावर टू का गुना पावर थ्री से कर दीजिए, आंसर दोनों से आएगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा आसान ये हो जाएगा क्योंकि इसका और इसका पावर जो दोनों नज़दीक रहेगा ना उसी का आप लोग पेयर बनाइएगा, ठीक है। जिसका पावर सबसे नज़दीक है उसी का पेयर बनाना है, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पे पाँच है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि x के पावर जो है तीन वाला ले लिए और x के पावर जो है दो वाला ले लिए। इसका वैल्यू तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं, सीखे ना जी। अगर क्यूब निकालना है पाँच देकर तो के क्यूब माइनस थ्री के, यानी कि पाँच क्यूब माइनस थ्री गुना पाँच, यानी कि 110। और इसका वैल्यू पाँच का स्क्वायर के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू के नहीं के स्क्वायर माइनस टू, यही ना सीखे पिछला वीडियो में, जो लोग नहीं देखे होंगे तो पिछला वीडियो देखेंगे। के स्क्वायर माइनस टू, के जगह है पाँच, तो पाँच स्क्वायर 25 माइनस टू यानी कि 23। इसका वैल्यू पढ़ लिए, लेकिन इसका वैल्यू को गुना कर दीजिएगा तो आपका इतना ही नहीं आएगा, ध्यान से समझिएगा। ऐसा कंसेप्ट ऐसा नहीं है ट्रिक लेखा बता दिए, हम बता रहे हैं इसमें क्या कि हमको वैल्यू इतना का निकालना है, तो हम क्यूब का और स्क्वायर का जो जान रहे हैं इसको गुना कर दिए। तो अगर इसको हम लोग गुना करेंगे, गुना कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका वैल्यू आ गया 110, इसका वैल्यू आ गया 23, आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत है, आ गया ना जी। तो गुना हम कर दिए, चलिए अब देखिए हमको तो इसका वैल्यू चाहिए, तो ए और ए बराबर तो नहीं है, कैसे बराबर नहीं है देखिएगा। अगर एक्स क्यूब का हम इसमें गुना करते हैं, आपस में सबको अलग अलग कर दे रहे हैं, एक्स क्यूब है एक्स स्क्वायर है, एक्स के पावर फाइव हो जाएगा, एक्स क्यूब है यहाँ पे वन बाई एक्स स्क्वायर है, कट जाएगा तो सिर्फ एक्स बचेगा, इसको उठाएंगे इससे करेंगे तो इसको उठाएंगे तो ये दो से दो कट जाएगा, वन बाई एक्स बचेगा, इसको यहाँ से करेंगे तो दो यहाँ या तीन यहाँ एक्स के पावर फाइव हो जाएगा। और ये कितना है, जितना होना होगा होगा, आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा। हमको तो सिर्फ इसका वैल्यू निकालना है, देखिए सिर्फ हमको इसका वैल्यू चाहिए, तो बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको हमको उधर भेज देना है कि नहीं। तो ए वाला का वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं, देखिए ऑलरेडी हम लोग इसका वैल्यू जान रहे हैं, कैसे कि इसका वैल्यू पाँच दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स के पावर फाइव प्लस वन बाई एक्स के पावर फाइव निकालना है, तो इसका जो वैल्यू आया इसमें से हमको कितना घटा देना है, जो के का वैल्यू रहेगा यानी पाँच उसको हम लोग घटा देंगे और वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सोल्व कर लीजिएगा जो आंसर होगा, है कि नहीं। जैसे देखिए तो हम लोग एक तरह से ट्रिक बना सकते हैं, कैसे ट्रिक ये बनाएंगे कि अगर इसका वैल्यू के दिया पावर पाँच वाला का पूछेगा तो हम लोग इसको क्यूब करेंगे तो के क्यूब माइनस थ्री के, और उसको गुना किससे करना है, के स्क्वायर वाला का के स्क्वायर माइनस टू में, और उसमें से घटेगा क्या, जो रहता है उस घट जाता है, घटा दिए, सिंपल, कोई दिक्कत है। अब देखिए क्वेश्चन दे दिया ऐसे, एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू अगर टू दे दिया, टू नहीं थ्री दे दिया, एक्स के पावर सेवन प्लस वन बाई एक्स के पावर सेवन निकालो, हमको नज़दीक पावर जाना है जो जानते हैं, या फिर सिंपली सोचिए तो एक पावर दो के दो में एक का अधिक एक कम में तोड़ दीजिए, सात को तोड़िएगा तो चार तीन, तीन चार सात, एक अधिक एक कम,
तो 3 4 पे इसको रखिए, इसको क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग निकालेंगे एक्स के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 इंटू कर देंगे एक्स के पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 3। और इसको जब कीजिएगा ना इंटू, तो ये आएगा इससे, इसको गुना कीजिएगा तो एक्स के पावर 7, इसको इससे कीजिएगा तो 1 बाई एक्स के पावर 7, और इसको इसमें कीजिएगा तो एक एक्स बच जाएगा, एक 1 बाई एक्स बच जाएगा। तो ये वैल्यू आपको निकालना होगा और ये वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा। हमेशा ब्रेक करने आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, इसका वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, एक्स है इतना दिया है, तो इसका एक्स स्क्वायर वाला कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, माइनस 2 घटा देंगे यानी 7, और इसका 4 पावर ना चाहिए तो फिर से एक बार करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तो 7 का स्क्वायर 49 और फिर से 2 घटा देंगे यानी 47 47 आएगा कि नहीं, यहाँ सॉरी यहाँ पे 4 47, तो इसका वैल्यू 47 ही, इसका वैल्यू क्यूब वाला का के क्यूब माइनस 3 के यानी 3 का क्यूब माइनस 3 के यानी 18, इसका वैल्यू हमको निकालना है और इसका वैल्यू हमको पता है कि 3 है। इधर हम लोग लेकर आ सकते हैं x के पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 7 बराबर 47 गुना ये 18 हो जाएगा और माइनस 3, यही आपका आंसर आ जाएगा। नंबर सिस्टम पर आएंगे उसके बाद इतना हम लोग को सॉल्व करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन देखिएगा तो आप इकाई अक्ष सिर्फ देखिएगा, या इकाई अंक पर आए अगर आंसर इसको देना हो तो हम लोग पूरा भी गुना भी नहीं करेंगे, क्या करेंगे 7 8 56 इकाई अंक 6 6 में से 3 जाएगा तो कितना 3, यानी ऑप्शन का लास्ट जो अंक होगा ना वो 3 जिसमें होगा उसी को टिक कर देना, ऐसा नहीं कि पूरा गुना करेंगे तब तो आपका निकल गया एग्जाम, तब आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो आप लोग यहाँ तक सीखें, कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो ये तो इस तरीका से सीख लिए। अब देखिए हम लोग माइनस वाला एक करके दिखा रहे हैं, कैसे यहाँ पे दे दिए माइनस, यहाँ कुछ वैल्यू दे दिए, चलिए 4 दे दिए, कुछ भी दे सकता है एग्जाम में, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो दे रहे हैं वही। तो यहाँ पे x माइनस 1 बाई एक्स और हमको पावर 5 में जाना है, तो माइनस है ऑड है तो माइनस ही रहेगा, देख रहे हैं ना, 5 में जाए 7 में जाए 11 में जाए, हम लोग तोड़ेंगे हमेशा एक डिफरेंस वाला, 7 था तो 4 3 का तोड़े, 5 है तो 3 2 का तोड़ेंगे। इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ से एक्स क्यूब हमको इसका वैल्यू चाहिए तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यही ना, ये एक्स माइनस 1 बाई एक्स दिया है तो एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब निकाल सकते हैं। तो एक को हम लोग माइनस में लेंगे तो दूसरा पेयर जो तोड़िएगा ये क्यूब वाला तोड़े तो एक स्क्वायर वाला टूटेगा, तो ये जो स्क्वायर वाला तोड़िएगा ना तो उसको प्लस वाला पेयर लीजिएगा, तो हम लोग तो निकाल सकते हैं आराम से। इसको आप लोग गुना करके देख लीजिए, एक एक्स्ट्रा ये वाला पार्ट भागेगा आपका, इतना से इतना गुना कीजिएगा एक्स के पावर 5, इसको इसमें गुना कीजिएगा प्लस माइनस तो माइनस एक्स के पावर 5, देखिए जो निकालना है आ गया है, एक्स्ट्रा क्या भागेगा, इसको हम लोग इससे गुना करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब है कट जाएगा तो एक्स बचेगा, इसको हम लोग क्या निकालेंगे ये वाला से इसमें गुना करेंगे या इसमें, तो ये 2 पावर इसको काट देगा तो माइनस 1 बाई एक्स बचेगा। तो हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, इतना का वैल्यू इतना, तो इसका वैल्यू के क्यूब माइनस 3 के या प्लस 3 के यानी कि 4 का क्यूब 64 होगा ना जी, हर बार लिखेंगे नहीं हम बार बार, 4 का क्यूब 64 प्लस 3 के यानी 3 गुना 4 इसका वैल्यू, इसका कितना स्क्वायर कर देंगे यानी कि
क्या पढ़ाया था, के स्क्वायर प्लस टू पढ़ाया था कि नहीं? तो चार का स्क्वायर प्लस टू इसका वैल्यू, और इसका तो हमको निकालना ही है। चलिए इसका निकालना है, और इसका वैल्यू आपका दिया हुआ रहेगा प्लस फोर, तो इसका वैल्यू छोड़कर सबको इधर लेकर आइए, एक्स का पावर फाइव माइनस वन बाई एक्स के पावर फाइव, ये हो जाएगा चौंसठ और बारह, चौंसठ और बारह ना, चौंसठ दो छियासठ दस छिहत्तर, और गुना में ये कितना, चार चौका सोलह दो अट्ठारह माइनस फोर, हो सकता है कैलकुलेशन में गलती होगा तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम फरवरी में इतना करते हैं कि वीडियो लंबा ना हो जाए। तो देखिए फिर से अभी बात, सॉल्यूशन अगर इतना आ जाएगा तो गुना नहीं करेंगे, क्या करेंगे, आठ छः अड़तालीस में से चार जाएगा, यानी कि आंसर के ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन जो होगा ना उसका लास्ट अंक चार दिया हुआ होगा, उसको टिक करके आएंगे, बाकी दो ऑप्शन में अगर चार दिया होगा तो वो सब काटने का तरीका हम धीरे धीरे बताएंगे, लेकिन कैसे कि सबसे पहले भाई तोने लोग तने शेयर वर करो, शेयर नहीं करेगा तो कैसे मज़ा आएगा, इतना बेसिक से बता रहे हैं, एडवांस तक बता रहे हैं, सारे टाइप बता रहे हैं, तो थोड़ा बहुत इधर उधर शेयर कीजिए आप लोग वीडियो, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, तब ना मज़ा आएगा। चलिए तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही, बहुत कुछ सीख लिए, अभी तो अभी हम लोग का शुरुआत ही हुआ है, बहुत कुछ पढ़ना है अलजेब्रा में, तो अगला वीडियो कल देखेंगे, कल आपका आएगा, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत सबको धन्यवाद।